आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज आपका जन्मदिन है तो थैंक यू सो मच। है ना, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। एंड वेलकम टू रवीश टॉक्स, दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय द वॉच फैक्ट्री, पावर्ड बाय द ऑप्टिका बार एंड सपोर्टेड बाय चीकू इंक एंड dropvocals.com। तो सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। एकदम एकदम। मेरा पहला सवाल है कि आप अपनी रोडीज़ की जर्नी के बारे में बताइए। रोडीज जर्नी वॉज रियली अमेजिंग भाई। एंड इट वॉज उससे पहले मैं बाइकिंग वाइकिंग बहुत करता था, तो एडवेंचर में तो था ही शौक। एंड रोडीज सडनली एक दिन ऑडिशंस हुआ एंड एक फ्रेंड के साथ गया, सेलेक्ट हो गया। तो 40 days ऑफ जर्नी जहाँ पे हमारे पास कोई फ़ोन नहीं था, ना ही कोई पैसे थे, सब ले लिए थे हमारे, और पूरे रियल एडवेंचर्स होते थे। एंड इतने टास्क, इतने हम लोग के जो पूरे 40 दिन का सफ़र था, आज भी याद है बिकॉज इट वॉज रियली अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा था हम लोग को, अनफॉरगेटेबल। आपका रोडीज से डीजेइंग में आना कैसा हुआ? रोडीज मेरा एक्चुअली रोडी आई वाज इन रोडीज 4, तो 2006 में हुआ मेरा डीजेइंग। उसके बहुत बाद में स्टार्ट हुआ, 2008 में मेरा डीजेइंग स्टार्ट हुआ, तो उससे कोई लिंक नहीं है। रोडीज आके ख़त्म हो गया था, वो फेम भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। बट पार्टिंग मैं करता था रोडीज से भी पहले, लाइक एकदम यंग एज से, 18 साल से पहले भी, मतलब 14-15 साल से क्लब व्लब चला जाता था। हाइट लकीली अच्छी थी 6 फीट की, तो पता भी नहीं चलता था। एंड पार्टी कल्चर में था, मतलब समझ लो 7 में से 4 दिन मैं नाइट क्लब्स में ही रहता था। तो इस वजह से क्या होता था कि आई वॉज ऑलरेडी इन टू दैट म्यूजिक का सीन एंड पार्टी सीन, तो उसकी वजह से फिर क्या हुआ उसके बाद कि अच्छा लगता था म्यूजिक सीन में रहना। तो रोडीज होने के बाद निखिल चिनप्पा थे जो बाद में मेरे मेंटर भी बने, उनको देखता था कि प्ले करते हुए। उनके MTV पार्टीज होती थी एंड उनके समर्स नाइट होते थे, तो उनसे भी बात करता था, गाइडेंस लेता था। उनको देख देख के एक थोड़ा आ गया था कि मेरे को भी करना है, बाकी डीजेस को भी ऑफकोर्स देख कर। एंड फिर मैंने फॉर्मल कोर्स किया डीजे कुणाल बोस करके कैलकाटा में, तो मेरी जर्नी 2008 से स्टार्ट हो गई फॉर्मली डीजे की। क्या आप अभी भी रोडीज फॉलो करते हैं? नहीं, मैं अभी रोडीज फॉलो नहीं करता। इनफैक्ट मैंने कोई भी सीजन नहीं देखा, मैंने सिर्फ अपना सीजन देखा था। यू विल बी सरप्राइज टू नो, क्योंकि मैं वहाँ जाके, मेरे को पता भी नहीं था करना क्या है। इतना पता था कि बाइकिंग चल करनी है प्लस टास्क वास्क होते हैं, बट बाकी उतना कुछ नहीं पता था मेरे को। तो मैंने 1-3 सीजन के थोड़ा बहुत देखा था, 5 का थोड़ा देखा था, बट जनरली नहीं देखा मैंने उतना रोडीज। अच्छा, फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या व्यूज़ है आपके, रघु राजीव वाला रोडीज़ बेटर था या जो अभी नया धूपिया रफ्तार वाला वर्जन है वो बेटर है? देखो दोनों अपनी अपनी जगह अच्छा है, बट मेरे से अगर आप फ्रैंकली पूछो मुझे कौन सा बेटर लगता है, तो मेरे को ऑफकोर्स रघु राजीव वाला लगता था। रीज़न बीइंग कि उस टाइम पे इट वाज लाइक कि कुछ आपको, जैसे आप रॉ बोलते हैं ना, रॉ टाइप था कि आपको कोई मेकअप वेकअप का जरूरत नहीं करने का है। आपको जैसे आपके पैसे रख लिए, आपका बाल लंबे भद्दे लग रहे, जो भी लग रहा है वैसे ही बोलते थे रहो और करो, कोई ये नहीं कि शूटिंग से पहले मेकअप कर रहे सब कर रहे। और बाकी कुछ ग्लैम फैक्टर नहीं था, रियल वाला चीज़ था। टास्क भी अच्छे थे, बट बेस्ट पार्ट ये था कि एज अ बाइकर उस टाइम बाइक्स पे होता था, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता था। अभी कार्स पे हो गया थोड़ा, एंड या दीज आर द थिंग्स। तो अच्छा, जब आप डीजिंग में आए तो आपकी इंस्पिरेशन कौन था? जब मैंने डीजिंग स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में डेफिनेटली कुछ इंटरनेशनल डीजेस थे, जैसे टीएसटो और फेरी कॉस्टन, बिकॉज मैंने स्टार्ट किया था एज अ हाउस एंड ट्रांस डीजे बॉलीवुड में, तो बाद में आया। एंड इंडिया में निखिल चनप्पा एज आई सेड, बिकॉज ऑफ रोडीज की वजह से देखा ये। एंड आईवन, उनका हाउस म्यूजिक तो है ही, लेजेंड ही है। तो ये सब थे उस टाइम पे। एंड बाहर इंटरनेशनल में स्वीडिश हाउस माफिया, डेविड वेटा। बट 1-2 साल बाद जब मैंने डीजे अकील का नाइट अटेंड किया, तो तब उनका देख कर दो सिंपली अमेजिंग, तो फिर वो डीजे अकील बन गए मेरे इंस्पिरेशन फॉर बॉलीवुड, एंड देन आई स्टार्टेड माय बॉलीवुड जर्नी। अगर आपसे ये पूछूं मैं कि जब आप डीजिंग स्टार्ट करी तो इंडिया में आप किन किन डीजेस को जानते थे? इंडिया में बहुत डीजे नाम थोड़े सुने थे जो टॉप में थे, जैसे फॉर एग्जांपल अकील भाई का सुना था, अख्तर सर का सुना था, अकबर सामी का सुना था, डीजे नोटोरियस का सुना था बिकॉज उनके मिक्सेस होते थे करेक्ट। बहुत फेमस, हाँ, जब अंधेरा होता है, जब अंधेरा फिर होता है। डीजे सुके, हाँ, फिर डीजे सुकेतो का बिन तेरे सनम, फिर उसके बाद कुछ हाउस म्यूजिक में डीजे आईवन थे, तो रोहित बारकर, माँ फायजा, सो यू नो दीज आर द लेजेंड्स। तो इन सब का सुना हुआ था, बाद में फिर आप लोग का सुनने लगे मिक्सेज डाउनलोड करके, एसएन आपका, बिकॉज हर्ष भुटानी, नावेद एंड NYK, तेजस, बिकॉज मिक्सेज फिर बाद में सुन। ये हमारा राउंड होता है एक ओपिनियन बताने का। मैं आपको डीजेस के नाम लूँगा, आपको उनके बारे में अपनी ओपिनियन बतानी है। तो
तो पहला नाम है डीजे चेतस। चेतस इनका लेके भले ही दुनिया में थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी वगैरह हुआ है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि वो जो भी किया है इट हैज़ वर्कड आउट फॉर हिम एंड इट्स रियली गुड। उनका मैंने एक दूसरे चैट शो में भी देखा था, तो उसमें ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, जो बोल रहे थे एकदम सच बोल रहे थे, अच्छा लग रहा था। आई मीन हम लोगों को तो जो लग रहा था अच्छा ही बोल रहे थे, तो एक लग रहा था कि दिल से बोल रहे हैं। एंड अगर उन्होंने कोई अपना मीन्स यूज किया भी है पहुँचने का, तो हर कोई करता है छोटे लेवल पे, बीट रिलीजिंग म्यूजिक, बीट प्रोमोटिंग, ही प्रोमोटेड बेसिकली टू रीच देयर। तो ही इज़ अ ही समवन हु गॉट नेम टू द कंट्री, वो जो जहाँ बाहर बाहर पहुँचे हैं लोगों, इंडिया को लोग जाने हैं, तो वो अपनी जगह सही है एंड इट हैज़ वर्कड आउट फॉर हिम, सो इट्स रियली गुड। तो उन्होंने नाम लाया इंडिया का डेफिनेटली बाहर इंटरनेशनली। ओके, डीजे लॉयड। लॉयड इज़ अ वेरी फन लविंग पर्सन, बहुत आप भी जानते होंगे उनको कि बहुत फन लविंग है, बबली टाइप है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है उनका एंड ही इज़ अ वेरी गुड डीजे। उनके लाइव सेट्स अच्छे हैं, कैलकटा में पहले थे तो उनके उनको बेड लाउंज में मैं सुनता था, वहाँ पे वो रेसिडेंट थे, तो आई यूज टू पार्टी और मेनी आवर्स देयर एंड स्टार्टिंग सेट तक उनका म्यूजिक सुनता था। तो आप तो खैर बॉम्बे में, बट उनके नाइट्स अटेंड करता था। वेरी नाइस डीजे, वेरी बबली पर्सन, चिल्ड आउट बोलते हैं ना, मस्त। हाँ, उनकी स्माइल भी बहुत अच्छी है, स्माइल करते हैं दोनों गालों पे डिंपल पड़ते हैं। डीजे फिलिक्स। एग्जैक्ट, डीजे हार्ले कर रहा है, अच्छा कर रहा है हिप हॉप सीन। तो उनका एक चीज़ मैं नोटिस किया, बिकॉज मैं तो मैं फिलिक्स और भी कुछ डीजे थे जो एक ही बैच से थे, तो हम लोगों ने देखा है तब से एक दूसरे को, तो उनका मैं, वो भी बाइकर थे बाय द वे, हम लोग जब बाइकिंग करते थे, हम लोग रेसिंग वेसिंग करते थे, तो तब से okay. तो वो जब डीजे नहीं थे तब से हम फ्रेंड्स हैं, तो उनको देखा, बहुत हार्ड वर्क करते हैं उनका। आप कोई भी आप कलकत्ता में आकर पूछोगे किसी से, वो अपने हर इवेंट के पीछे होमवर्क करते हैं, बीट फ्रॉम फोटोग्राफी टू प्रमोशंस टू अपने क्राउड को रीच करना, म्यूजिक भी अच्छा बजाते हैं एंड ही हैज़ वर्कड हार्ड ऑन हिज मेकिंग पूरा जो बोलते हैं ना एक अपना ब्रांड को बनाना, तो दैट्स व्हाई इज डूइंग वेल एंड इज डूइंग रियली गुड। सो हार्ड वर्किंग डीजे, वेरी नाइस। ओके, डीजे प्रियंका दास। प्रियंका दास इज़ माई स्टूडेंट, छोटी बहन की तरह है एंड शी हैज़ वर्क रियली हार्ड एंड छुटकी सी उसको तो मैं मिनी माउस बुलाता हूँ, बट उसका अच्छा चीज़ ये है कि वो बॉलीवुड एंड कमर्शियल दोनों अच्छे से मिला के क्लब साउंड जो बोलते हैं वो अच्छे से बजाती है, तो वो थोड़ा उसका अच्छा लगता है। हाँ, मिक्स एंड मैच छोटा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है वो। एकदम 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 सही बात। ओके, डीजे अमित सक्सेना। अमित सक्सेना इज़ अ वेल नोन प्रोड्यूसर, हम लोग उनके मिक्सेस बजाते हैं, भले मैं उनको पर्सनली नहीं जानता बट हैदराबाद में डेफिनेटली इज अ नोन नेम एंड इंडिया में भी हम लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ हिज मिक्सेस, तो उनके कुछ कुछ मिक्सेस हम लोग बजाते हैं, तो या अच्छे उनके मिक्सेस, अच्छा म्यूजिक है उनका, तो इतना मैं जानता हूँ। ओके, डीजे डोना। डीजे डोना इज़ अ फन लविंग गर्ल, कैलकटा से ही है एंड उनके घर भी गया हूँ, खाना पीना खाया है एंड वो भी मेरे तरह पहले पार्टी सीन में बहुत रहती थी, तो म्यूज़िक का उनको बहुत अच्छा आइडिया है, तो शी इज़ अ म्यूज़िक लवर एंड वेरी फन लविंग ईजी गोइंग पर्सन, उतना सोचना नहीं, चिल्ड आउट टाइप होते हैं, अच्छी प्ले भी करती है, सो नाइस पर्सन। या अच्छा, आप आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उस बारे में बताइए। यस यस, एक्चुअली मेरे पापा भी आर्मी में थे, ही इज़ रिटायर्ड नाउ, ही वॉज अ मेजर एंड मेरा भाई भी आर्मी में है, सो ही इज़ अ सर्विंग मेजर राइट नाउ। ओके, तो दो भाई में से एक आर्मी में ऑलरेडी है, तो इससे क्या है कि हम लोग बचपन से मैं दूसरे जगह घुमा हूँ एंड ओन ब्रदर मेरा वो एंड आर्मी कल्चर देखा है, एडवेंचर का कहीं ना कहीं यही सा है, अगर आप रोडीज़ का लिंक देखें, बाइकिंग का देखें, तो कुछ ना कुछ कनेक्ट होता है कि यू नो वो शौक जो होता है घूमना एंड एवरीथिंग एडवेंचर। तो मेरा भाई के पोस्टिंग भी टफ जगह पे आई है, जैसे अभी आपने देखा होगा चाइना का इशू है, ही वाज आल्सो पोस्टेड देयर पहले, तो या बट इट्स गुड फ्रॉम यू नो लाइक पॉइंट ऑफ व्यू की आर्मी बैकग्राउंड से आपने एडवेंचर देखा है, सो या। ओके, किसी बैकग्राउंड किसी इवेंट पे आपके साथ हुआ हो कोई फनी मोमेंट? हाँ, एक दो हुए हैं बट एक मैं बोलूँगा, जैसे पुणे में एक क्लब है जहाँ पे मैं बहुत प्ले करता हूँ, लाइक लॉकडाउन से पहले करता था, 20-25 बार प्ले किया है, लोकल गैस्ट्रो करके एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट क्लब, अमेजिंग क्लब। तो पुणे में एक सीन चल रहा था लास्ट ईयर कि कॉप्स का आके बंद कर रहे थे, आपने भी सुना होगा कि पार्टीज जल्दी एंड हो रही थी एंड बीच में कॉप्स आ जाते थे, म्यूजिक अचानक बंद कर देते थे, कभी कभी पार्टीज एंड कर देते थे, तो एक नाइट नॉर्मली हमेशा ठीक होता था
और कई बार कॉप्स आने वाले होते तो मैनेजर वगैरह बताते कि चलो टाइम हो गया, बट उस दिन कॉप्स सडनली अंदर आ गए, 12:30 की बात होगी, और आके उनको कॉप्स को पता होता है कि पावर बटन वगैरह कहाँ से, आके वो कंसोल बंद करके ले जाने लगे। अब मेरा पेन ड्राइव था प्लेयर में तो मैं ऑफकोर्स अपना पेन ड्राइव निकालने के लिए गया, बिकॉज उसमें सब अपना म्यूजिक है, कहाँ जाएगा क्या होगा पता नहीं। मैं लगाने गया तो कॉप ने मेरा हाथ ऐसे करके पकड़ लिया। अब क्या हुआ कि उसके बाद मैंने बदले में पता नहीं इम्प्रॉम्प्टू वो पंगा लेने की क्या आदत आ गई कि मैंने भी उसका हाथ कॉप का हाथ ऐसे जोर से पकड़ लिया, एंड यू नो वी जस्ट लुक्ड इनटू ईच अदर्स आईज एंड वाज लाइक कौन बंदा ये करके। वो पीछे डीजे समझ गया कि थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, वो मेरे को समझाया कि भैया थोड़ा जाने दीजिए, कोई बात नहीं आपका मिल जाएगा, थोड़ा सा मत करिए। एंड कॉप कुछ बोला नहीं, चला गया। बाद में वो पूछ रहा था मैनेजर से कि कौन है बंदा, वो संभाल लिया मैनेजर ने, बोला नहीं अच्छा बंदा है वो, थोड़ा एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कलकत्ता या बाकी जगह पर जनरली इतना कि कॉप आके करे तो उसको यूज्ड नहीं है, बट वो इज अ नाइस गाय, वो अपना पेन ड्राइव की वजह से उसका म्यूजिक पड़ा उसमें, तो कॉप बाद में आके मेरा पेन ड्राइव वापस का, दोस्ती भी हो गई एक तरह से, बाद में जान पहचान हो गया। चलिए अच्छी बात है। बिगेस्ट क्राउड दैट यू हैव प्लेड फॉर? ये दो फेस्टिवल्स है, एक तो डस्क करके आप जानते होंगे कोलकाता में होता है, हाँ करेक्ट, तो कलकत्ता में डस्क होता था, इंडियन फेस्टिवल होता था, तो उसके बहुत एडिशन्स लेके मैंने 7-8 में किया है, तो उसमें बहुत क्राउड रहता था, बट एक एडिशन में बहुत क्राउड आ गया था लाइक अराउंड 7-8,000, सो इट वाज अमेजिंग। एंड दूसरा टूरा करके है, इट्स इन शिलोंग, तो वहाँ पे प्ले किया है, एंड उधर भी इट वाज लाइक अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज काइंड ऑफ थिंग वाज देयर। इसमें एक फनी इंसिडेंट मैं ऐड कर दूँ, मैंने इसमें कुछ हुआ था, हाँ बताइए फनी बोला या इंटरेस्टिंग। तो वहाँ पे क्या होता था उस टाइम पे, ये पेन ड्राइव वाले प्लेयर्स नहीं थे, सी डी जे 1000 मार्क 3 थे। अब सोचो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज फेस्टिवल एंड उसमें बॉलीवुड हॉलीवुड सब जो मिला के बजाना बजा सकते थे, एक होता है ना कि कल्चरल टाइप की, गवर्नमेंट ने कल्चरल टाइप किया था, स्टार्टिंग में कुछ कल्चरल प्रोग्राम थे, बाद में पूरा डी जे नाइट। तो एक हिल टॉप है, हिल टॉप का ऊपर का पूरा एरिया को वो ग्राउंड टाइप बना दिया था लाइक पूरा डांस फ्लोर, दे वर लाइक अराउंड 7,000 people 7-8,000 के आसपास, एंड बड़ा सा स्टेज था। जब हम लोग ने साउंड टेस्ट किया तो पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन में एक मार्क 3 का डिस्प्ले यूनिट का कुछ जगह चलेगा इंक्लूडिंग BPM काउंटर। नाउ देर वर 2 more DJs, मेरे साथ एक बंदा गया था, मेरा स्टूडेंट ही अनय, एंड ही वॉज सपोज टू ओपन, एंड एक DJ आई थी फ्रॉम गुवाहाटी, सो शी वॉज सपोज टू प्ले बिफोर मी, आई वॉज द हेडलाइनर। तो वो दो ट्रैक प्ले करके देखिए, बोली मेरे से नहीं होगा, फिर अनय ने भी बेचारे ने कुछ थोड़ा प्ले किया, बट उसको भी हार्डशिप हो रही थी, तो उनका टाइम भी अब मेरे को ही प्ले करना पड़ा। तो मेरे को ओरिजिनली जो 1.5 घंटा बजाना था, अब मेरे को 2.5 घंटा बजाना पड़ा, पूरा 2.5 घंटा भाई मैं आपको बता रहा हूँ बिना BPM देख के बजाया। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट्स, मैं बोल सकता हूँ कि 7,000 क्राउड फेस्टिवल के सामने आप बिना BPM देख के बजा रहे हो, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ थैंक्स कि जो कुणाल बोस ने ट्रेनिंग दिया था छुपा के, और वो सब डेन प्लेयर्स में जो किया था कि BPM नहीं देख के कान से, तो या दैट वॉज अ गुड थिंग। ओके मैं आपसे पूछूं कि डीजिंग इंडस्ट्री में आपके 5 दोस्तों के नाम बताइए, तो किन किन का बताएंगे आप? 5 नहीं 6-7 है, बताता हूँ मैं आपको। एक डीजे मनी है, उससे हमेशा डेली समझ लो बात होता है, वेरी सपोर्टिव पर्सन, बहुत बहुत अच्छे बंदे, आपके भी अच्छे दोस्त हैं, जानते ही हैं, एंड दिल के बहुत साफ है, एंड कहाँ से एक आसाम से कितना अच्छा कर लिया उन लोगों ने, तो इससे सब कुछ शेयर होता है। डीजे शान है बॉम्बे से, By the way, he's my roommate also, बहुत लोग जो नहीं जानते हैं बता दूँ, इन बॉम्बे, एंड राइट वो रूममेट बाद में बने, पहले मैं अंधेरी में रहता था एक अपने मॉडल फ्रेंड के साथ, एंड फिर लोखंडवाला में, बाद में रूम चेंज करना था, तो फिर क्या हुआ कि जब बॉम्बे गया तो वो कहीं साउथ इंडिया में गए थे, एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, तो मैंने उनको कॉल किया और बोला कि मतलब ऐसे अपनी बात हुई थी, बोले भाई कहाँ पर हो, मेरा उन्होंने पोस्ट देखा था, मेरे को चेक इन डाला था बॉम्बे का, उनका ही कॉल आया कि और भाई बॉम्बे आए बताया भी नहीं, मैं बोला कि नहीं जा रहा हूँ अभी कज़न के पास रहूँगा, एक नया रूममेट भी देखना है मेरे को, और या तो होटल में या तो कहीं पर रहूँ, मेरे कजन्स रहते हैं बॉम्बे पुणे में, वो बोले भाई ऐसा कुछ मत करना, मेरा एक रिश्तेदार या कोई दोस्त है उनको मैं भेज रहा हूँ आपके पास चाबी लेके, आप मेरे घर में जाओ और रहो, तब तक रूममेट हम मने में नहीं थे, कौन करता भाई आज के डेट में चाबी देते हैं, करेक्ट, मैं मना किया, लेकिन तभी जबरदस्ती किया गए, उस दिन से आज तक हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए, बहुत पार्टी के, बाद में रूममेट भी बन गए, रेंट वेंट की बात हो गई सर, तो मनी हो गया, शान हो गया, वो खाना वाना भी बनाए थे हम लोग साथ में, तो बहुत मेमोरीज है। तीसरा हम दोनों के अलावा एशियन हो गया, एशियन से बहुत बात होता है, फिर उसके बाद सोनी हो गई, सोनी ने सपोर्ट किया पुणे में बहुत, फिर सायरा हो गई, फिर डीजे रिंक,
हम लोग बहुत बात करते हैं, बहुत इंस्पायर करती है एंड हम लोग का रेगुलर बात होता है. एंड डीजे लेमन, वो तो हम लोग मेमोरीज है, बहुत मस्ती के साथ किए. ओके, आपने कल एक फेसबुक पे वीडियो डाला जिसमें आप टिकटॉक डिलीट कर रहे थे, उसके बारे में. राइट, एक्चुअली मैं नहीं करता अगर ये कल वाला इंसिडेंट नहीं होता जिसमें हमारे सोल्जर्स मर गए. बहुत दिन से चाइना से पंगा चल रहा था, मैं वेट कर रहा था कि ये इंसिडेंट डिप्लोमेटिक लेवल पे ठीक हो जाए तो कुछ ऐसे ज़रूरत नहीं पड़े करने की, बिकॉज आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल की झटके में आके लोगों ने बोला कि हटा दो हटा दो. मैं वेट किया, बहुत लोग हटा दिए थे पहले, बट कल जो देखा कि इन लोगों ने यार गलत कर दिया. मतलब दोस्ती खाली नाम का किया था चाइना ने, बट एक्चुअली हम लोग का बैक स्टेप किया. तो द ओनली वे इज़ कि हम लोग इकोनॉमिकली थोड़ा सा बॉयकॉट करें. एंड एक एक स्टेप मैटर करता है. आई नो एक मेरे हटा देने से कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा, बट एक स्टार्ट होने से क्या, बहुत लोग अगर हटाएंगे तो चाइना को थोड़ा सा इकोनॉमिकली इफेक्ट होगा. एंड हु नोस, कोई ब्रिलियंट माइंड हो यहाँ पर टिकटॉक जैसा बना दे ऐप, अगर टिकटॉक यहाँ से हट जाए और यहाँ कोई बना ले, दैट इज बेटर, नंबर वन. करेक्ट. एंड नंबर टू ये है कि टिकटॉक से स्टार्ट किया, अगर लोग बोलते हैं कि अरे आपने टिकटॉक तो हटा दिया, आप तो चाइनीज फोन यूज करते हो, ये करते हो, धीरे धीरे सब मैं करूँगा. लेट इनकम स्टार्ट वापस से रेगुलर. मैं अपना वन प्लस यूज कर रहा हूँ, उसको भी मैं हटा के कोई नॉन चाइनीज फोन लूंगा, धीरे धीरे करूंगा. सो एक स्टार्ट हो गया, बाकियों की मर्जी करे नहीं करे, मैंने स्टार्ट किया बेसिकली. ओके, करेक्ट. खराब लगा, हमारे भाई मरे. एकदम सही. डीजे परोमा मेरे शो पे आई थी, उन्होंने बोला कि आप काफ़ी अंडररेटेड डीजे हैं, उस बारे में आप कुछ बोलना चाहिए. बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट वो कंसीडर करते हैं. आई मीन अच्छा लगता है कि नेशनल लेवल पे डीजेस देख रहे हैं कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि अभी अंडररेटेड है, उनमें पोटेंशियल है, आप आगे जाके अगर अच्छा कर सकते हो, तो इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है. क्योंकि जैसे उन्होंने शो पे कहा था, मैंने भी वो एपिसोड देखा था, मेरे को भी कहा था, आपको भी कहा था, हम लोग को बेसिकली क्या है कि लोग चलो जानते हैं, लेकिन पता है कि हम लोग और आगे जा सकते हैं. ये हम लोग को पता है कि एक रास्ते में हम जा रहे हैं, तो वो जर्नी सही है गलत है, अगर जब लोग बोल देते हैं ये बात कि यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, यू आर अंडररेटेड राइट नाउ, आगे और अच्छा करेंगे, तो इट मेक्स यू वर्क इवन मोर हार्डर. एंड आई थिंक मैंने अभी मैंने 1% ही किया, 99% और जाना है. सो थैंक यू वेरी मच परोमा, अगर आप ये देखती हैं तो कि आपको लगता है कि मेरे में पोटेंशियल है, सो आई विल वर्क हार्ड इवन मोर एंड ट्राई टू बी देयर. ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप की नज़र में टॉप 5 अंडररेटेड डीजेस कौन है इंडिया के, तो वो कौन होंगे? जैसे आपने कहा कि अंडररेटेड मतलब पीपल विद पोटेंशियल, या जिनमें पोटेंशियल है जो और आगे बढ़ सकते हैं, और अगर अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक डीजे मनी है, मेरा दोस्त भी है, बट एट द सेम टाइम दोस्ती की वजह से नहीं, रीज़न ये है कि ही प्लेज रियली वेल, ही वर्क्स रियली हार्ड. उसको मैंने देखा है, आप भी जानते हो कि कितना ट्रैवल वेवल करके वो अपने गिग्स करता है, हार्डवर्क करता है, प्ले भी अच्छा करता है, सब कुछ अच्छा है उसका, फैशन स्टाइल ये वो. देन उसके बाद डीजे शान भी है, डीजे शान आई हैव सीन हिम प्ले इन बॉम्बे, बाकी जगह भी देखा है. ही इज़ ऑल्सो अपने म्यूजिक में दिन भर काम करता रहता है, तो ही इज़ रियली गुड. सोनी है, सोनी इज़ अ रियली गुड डीजे एंड वो डेफिनेटली और भी नाम बना सकती है. प्ले अच्छा करती है, सब कुछ वो अच्छा है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है. आपको सब जानते हैं रवीश, लेकिन आई थिंक कि आप और भी आगे जाएंगे, डेफिनेटली जा सकते हैं कि आप जाएंगे, बिकॉज मैंने आपका लाइव देखा. आप सब म्यूज़िक तो आपका लेजेंडरी है, हमेशा से निकला ही है, बट आपका लाइव मैंने हाउस ऑफ मेडिची पुणे में देखा था. सो आई कुड मेक आउट कि यू नो आधा घंटा जो एक घंटा मैंने सुना था, इट वॉज अमेजिंग सेट, वेरी क्लीन, वेरी गुड क्लब साउंड. थैंक यू. एंड द वे यू गो अबाउट एवरीथिंग, सो दैट इज़ रियली गुड. सनी हरनीत है पुणे से, आप जानते हैं पुणे सीन बहुत वो डोमिनेट अच्छा करते हैं, बट इंडिया में भी अब वो आई थिंक आगे जा सकते हैं. एंड लास्ट में बोलूँगा विस्पी, वेरी नाइस पर्सन, जेंटलमैन है एंड प्ले भी अच्छा करते हैं, मैंने उनको देखा लाइव. तो ये लोग हैं और भी बहुत हैं, बट ये मेरे माइंड में अभी जस्ट आ रहा है. अच्छा, आपका एक खुद का एक डीजिंग स्कूल भी है कासाब्लांका नाम से, उसके बारे में कुछ बताइए. हाँ, ये स्टार्टिंग में दो बंदे थे, अनय और एक अश्मित करके, उन्होंने आके अचानक से बोला था, तब मेरा स्कूल था नहीं, तो मेरे को बोले थे कि भैया मेरे को डीजिंग सीखना है, सिखाएंगे. तो मेरा 2-3 साल ही होता डीजिंग में, एंड मैंने बोला कि यार मैं सिखाता तो नहीं हूँ तुम लोग, बट तुम लोग को क्या, तो बोला नहीं आप सिखा दीजिए कोई बात नहीं. तो उनको प्रॉपरली सिखाया एंड वो अच्छे डीजेस बन गए. तो उन लोग ने एडवाइस दिया कि भाई आप प्रॉपरली सिखा सकते हो, ऐसे बहुत लोग सिखाते हैं लेकिन ठीक से नहीं सिखाते. मैंने स्टार्ट किया. लेट मी टेल यू रवीश भाई कि मैं वैसा इंस्टीट्यूट नहीं चलाता जिसमें यू नो बैचेस में 20-30 जन सीखते हैं. मैं 1-to-1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 करके सिखाता हूँ, पर्सनलाइज्ड अटेंशन की स्टार्टिंग से एंड तक, इवन कोर्स के बाद कि करियर डेवलपमेंट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा वो मैं देखता हूँ.
एंड टुडे आई एम प्राउड कि मेरे स्टूडेंट्स कैलकटा में एंड बाकी जगह भी प्ले कर रहे हैं. कैलकटा में ऑलमोस्ट बहुत सारे क्लब्स में मेरे बंदे लोग हैं, तो ये चीज़ अच्छा है. ओके, बट आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि आप सिर्फ गर्ल्स को ही डीजिंग सिखाते हैं अपने स्कूल में, क्या सही है? ये इल्ज़ाम एकदम गलत है. फीमेल स्टूडेंट्स हैं मेरी बहुत, 4-5 है, बट सब मेरे छोटी बहन की तरह है एंड दे आर लाइक फैमिली. एंड उनसे कई ज़्यादा मेल स्टूडेंट्स हैं, तो लाइक 15-20 मेल स्टूडेंट होंगे. मैं नाम भी ले सकता हूँ अगर आप चाहो तो. मतलब आप ये इल्ज़ाम वो करते हैं कि सही नहीं है, गलत है. ओके ओके, वी डी जे शान है आपके दोस्त, उन्होंने क्वेश्चन भेजा है कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है मुंबई में और वो कहाँ पर है? वो हम लोग का एक फेवरेट रेस्टोरेंट है सेलेस्टीन करके, इट्स मलाड में है. ऐसे तो पूरे बॉम्बे में हम लोग घूमते हैं अलग अलग जगह पे, बट एक्चुअली होता है ना मस्त भूख लगी, कुछ सॉलिड खाना है, तो यहाँ जाते हैं. ये सेलेस्टीन करके नाम है, साउथ इंडियन है, बट साउथ इंडियन बोले तो ये टिपिकल इडली वड़ा ये नहीं, नॉन वेज साउथ इंडियन है. okay. तो उसमें चिकन मटन वगैरह केले के पत्ते पे, ऑफकोर्स वेज आइटम्स भी मिलते हैं, बट अमेजिंग देते हैं. तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, हम लोग का फेवरेट है. घर पे ज़्यादा ऑर्डर करते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ आर फेवरेट. मैं आऊँगा अभी जल्दी बॉम्बे, तो उसके जाऊँगा खाने. ओके, आयुष जैस हैं, उन्होंने पूछा है कि आप इतने फिट हैं, चार्मिंग है, आपका म्यूज़िक टेस्ट भी बहुत अमेजिंग है, तो आप इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं एक साथ? वेल आयुष, थैंक यू सो मच. चार्मिंग का तो पता नहीं यार, वो आप ही बोल सकते हो, बट हाँ एक चीज़ है कि डिसिप्लिन मेंटेन करता हूँ लाइफ में. मेरा मानना है कि लाइफ में अगर आपको गोल्स है, एम्बिशंस है, तो एक बिना डिसिप्लिन, एक बिना पास के आप कर नहीं सकते हो. तो मैं फिटनेस से स्टार्ट करता हूँ. फिटनेस का मैं बोलूँगा कि मेरा एक बिलीफ है कि योर बॉडी इज़ लाइक अ टेम्पल जिसमें आपको ज़िंदगी भर रहना है. तो आप एक फिटनेस के लिए आप एक ट्राईपॉड समझ लीजिए कि 3 स्टैंड होते हैं. एक है आपका स्लीप मतलब रेस्ट, एक हो गया आपका फूड डाइट, एंड एक एक्सरसाइज. तो ये 3 मैं अपना बैलेंस करके मेंटेन करता हूँ. एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी माइंड, बिकॉज हेल्दी माइंड होता है तो वो मेरे काम पे रिफ्लेक्ट करता है. तो डीजिंग गिग्स के लिए भी प्रिपेयर कर लेता हूँ, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करके म्यूज़िक प्रोडक्शन हो गया और सेट्स बनाना हो गया, इस सब पे टाइम देके मैं करता हूँ. ओके, यही सेम क्वेश्चन अभिषेक डिंडा ने भी पूछा था, तो उनके क्वेश्चन का भी जवाब इसी में ही आ गया. डीजे मिकी पूछ रहे हैं कि सर जब ये पैंडेमिक ख़त्म होगा और पार्टी सीन वापस स्टार्ट होगा, तो सबको वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ टिप्स दे सकते हैं आप? मिकी, जीरो तो एग्जैक्टली मैं नहीं बोलूँगा. हाँ बोल सकते हो, इट विल बिकम अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड कि वापस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बट हम लोग का एक्सपीरियंस तो हमारे पास है. तो जो लोग नए लोग आएंगे उनसे डेफिनेटली जो लोग पहले, वो तो बेटर परफॉर्म करेंगे ना, बिकॉज व्हेन दे विल बी कॉल्ड वो बेटर प्ले करेंगे. तो आप ये जो टाइम है आप लोग सबको बोलूँगा कि वेस्ट मत करिए, बिकॉज जब अपने पास टाइम नहीं होता था तो लोग मतलब लाइक जब हम लोग का एक्टिव लाइफ था, गिग्स करते थे, तो लोग बोलते थे कि मेरे पास यार प्रोडक्शन के लिए टाइम नहीं है, फोटोशूट के लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, हेल्थ के लिए टाइम नहीं. अब जब टाइम मिला तो आप पूरा ये टाइम को यूज़ करिए. फिनेंशियल की जहाँ तक बात है, अगर आप ये सस्टेन कर सकते हो पीरियड फाइनेंशियली, सेविंग्स या व्हाटएवर फैमिली से, अच्छी बात है, बिकॉज कुछ महीने में सीन खुल जाएगा, सब एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल. डोंट वरी, लोग पैनिक कर रहे हैं कि नहीं वो सब हो जाएगा, एक बार वैक्सीन आएगा पीपल विल पार्टी हार्ड बिकॉज एज इफ दिस नो टुमारो, बिकॉज उन लोग के अंदर वो भरा रहेगा ना पार्टी करने का कि यू नो एक लाइफ है, वन लाइफ इन्जॉय किया जाए. फाइनेंशियल अगर इशू है तो आप डेफिनेटली कुछ साइड में करिए, साथ में डीजिंग भी पार्ट टाइम करिए, छोड़िए मत, टच करके रखिए कल से पहले. हाँ, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया कि एक बैकअप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉट एवरीबडी मेक्स यू नो बिग इट इन डीजिंग. इतने सारे डीजेस बनते हैं, हर बंदा सुपरस्टार नहीं बन पाता, तो साथ में अगर आपके पास एक फाइनेंशियल बैकअप रहेगा ना, तो आप और अच्छी तरीके से डीजिंग में कंसंट्रेट कर पाएंगे, अपने प्रमोशन के ऊपर भी पैसा खर्च कर पाएंगे. ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप 10 साल तक रेजिडेंट डीजे थे, उसके बाद अभी आपने 2 साल पहले फ्रीलांसिंग चालू करी है, तो आपकी रेजिडेंसी में जो आपने एक्सपीरियंस लिया वो अब आपके फ्रीलांसिंग में कैसे काम आ रहा है? और रवीश भाई, मैं बोलूँगा कि रेसिडेंसी में जो एक्सपीरियंस था, फ्रीलांसिंग बहुत हेल्प करता है. रीज़न बीइंग, चलो माना कि पहले बहुत ऐसे इंडिया में टॉप डीजेस रहे हैं जिन्होंने रेसिडेंसी नहीं किया, बट वो टॉप बने बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर थिंग्स. बट आज के डेट में बहुत कंपटीशन हो गया है, तो बहुत मैटर करता है आप लाइव कैसा प्ले करते हैं, बिकॉज आप एक जगह अगर जाएंगे एक बार बुला लेंगे, अगर अच्छा नहीं प्ले करेंगे तो दोबारा नहीं बुलाएंगे, आप ही बात जानते हैं. करेक्ट. तो आपने भी रेसिडेंसी की है मुझे पता है, तो हाँ. वो एक्सपीरियंस हेल्प करता है, बिकॉज हम रेसिडेंसी जब कर लेते हैं तो बाद में जब फ्रीलांसिंग करता हूँ तो
कई बार ऐसा सिचुएशन होता है, हमेशा ज़रूरी नहीं कि फिर हम लोग सोचते हैं पैक क्राउड आएगा, हम लोग रॉकस्टार की जाएंगे बजाएंगे, बट सबके साथ ही होता है, कभी कभी थोड़ा कम क्राउड है, कभी कभी क्राउड अलग टाइप का निकला जो हम सोचे. हाँ. हम लोग सोचे बॉलीवुड क्राउड है लेकिन थोड़ा हाउस और ईडीएम क्राउड निकल गया, कमर्शियल क्राउड निकल गया, सोचे पैक्ड है कम निकल गया. तो रेसिडेंसी से क्या है कि आप उनको धीरे धीरे करके टेबल्स उठा के फ्लोर पे ला सकते हो, बिकॉज आपको आदत है लंबे सेट्स प्ले करने की. ये नहीं कि आधा घंटा की तरह 20-20 मैच की तरह आधा एक घंटा का सेट पता है आप लंबा हैंडल नहीं कर लिए, कुछ भी हो सकता है, आपको लंबा प्ले करने के लिए बोल दिया, नाइट लंबा चल गया, तो रेसिडेंसी कंप्लीट हो जाती है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तो बोलूँगा, रेसिडेंसी में आप बहुत जॉनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो. हाँ. तो जैसे हम लोग खाने में होता है कि बहुत कुछ खाते हैं और लास्ट में एक दो चीज़ जो पसंद है वो हम ज़्यादा खाते हैं बाद में, तो सेम विथ म्यूज़िक. आप रेसिडेंसी में बिकॉज चाहो नहीं चाहते हुए भी आपको क्लब के पैटर्न के हिसाब से अलग अलग दिन बहुत कुछ बजाना पड़ता है, तो यू स्टार्ट लाइकिंग न्यू जॉनर्स आल्सो, यू एक्सपीरियंस, यू एक्सप्लोर, यू गेट रेडी. और सबसे बड़ा एक बात मैं छोटा सा बोलूँगा, एक क्लब था जो प्रॉपर नाइट क्लब नहीं था, मैंने एक 3-4 साल रेसिडेंसी किया बिग बैन करके, वहाँ पे मैंने रॉक एंड रेट्रो बहुत प्ले किया था. तो आजकल हाई प्रोफाइल प्राइवेट पार्टीज में, मेरे मुंबई के भी एक क्लाइंट है उनका मैंने राजस्थान में किया था रिसेंटली एक शो, रॉक एंड रेट्रो मैंने 4-5 घंटा प्ले कर पाया बिकॉज रेसिडेंसी की वजह से मेरे को एक्सपीरियंस और बढ़ गया. आई थिंक हाउस स्टेडियम, सो इट्स इंपॉर्टेंट. ओके, करना चाहिए 3-4 साल. ओके, ये डीजे नीलाश्री का क्वेश्चन है, आपकी स्टूडेंट ही है. एक किसी भी डीजे के लिए म्यूजिक प्रोडक्शन की बेसिक नॉलेज होना कितना ज़रूरी है? कोई डीजे के लिए लाइव प्ले करने के लिए तो प्रोडक्शन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है. इट्स नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी, बट नॉलेज हो जाने से कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं कि जैसा कि आपको कीज़ का आइडिया हो जाता है तो आप गाने मिक्सेस अच्छा कर सकते हैं, एंड प्लस जैसे आपसे बात हो रहा था उस दिन की एडिटिंग भी कोई कर सकता है अच्छे से, अपने एक्सटेंडेड मिक्सेस बना सकता है एंड अनटैग कर सकता है. तो अगर आपके पास कुछ गाने हैं जिसमें मान लो लंबा कोई साइलेंस आ रहा है या ब्रेकडाउन आ रहा है, आपको वो नहीं चाहिए तो आप जल्दी से काट के उसके अपने पर्सनल एडिट्स कर सकते हो, तो ये फायदा है. तो डेफिनेटली एज आपको देगा जिनको नहीं आता उनके ऊपर, डेफिनेटली. अच्छा, अभिषेक डिंडा हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर आप बॉम्बे और कोलकाता के बीच में काफ़ी ट्रैवल करते हैं, आप जब कोलकाता से बॉम्बे शिफ्ट हुए थे तो लोगों को ये लगा था कि आप परमानेंटली मुंबई शिफ्ट हो गए हैं, तो उस बारे में बताइए कि आप कहाँ रहते हैं, बॉम्बे रहते हैं या कोलकाता रहते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन अभिषेक डिंडा, लोगों को जानना भी ज़रूरी है बिकॉज एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब मैं बॉम्बे शिफ्ट किया था तो फेसबुक में तो डाल तो दिया था मुंबई, बट नीचे में कोई नहीं पढ़ा वो डिटेल में, ऊपर भरा ही पा रहा कि मूव टू मुंबई लाइफ स्टोरी में. नीचे लिखा था क्लियरली कि आई हैवंट लेफ्ट कैलकटा टोटली एंड बॉम्बे इज़ माई सेकेंड होम. तो बेसिकली मैं दोनों जगह रहता हूँ, ऐसा नहीं कि कैलकटा छोड़ के बॉम्बे शिफ्ट हो गया हूँ. बॉम्बे में भी मेरा आना जाना रहता है, इधर भी रहता हूँ. बॉम्बे जाने के 2-3 रीज़न है, एक है कि मेरे फैमिली कज़न्स वगैरह बॉम्बे पुणे में बहुत रहते हैं, दूसरा है कि पुणे में मेरे बहुत गिग्स होते हैं तो वहाँ से ट्रैवल करना ईजी होता है, तीसरा मैं लास्ट ईयर गया था एक मेन काम से कि एडवांस म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स करना है. बेसिक तो आता ही था खुद से, क्रॉसटेक से मैं पूरा प्रॉपरली सीखना चाहता था तो इसलिए गया था, तो उसके वजह से मैं वहाँ पर था. कैलकटा ऑफकोर्स मेरा बेस रहेगा बिकॉज यहाँ मेरे क्लाइंट्स हैं, यहाँ काम है, और बॉम्बे भी आना जाना रहेगा बिकॉज चलो मैं सबके सामने शेयर करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर से एक मेरा एक बिजनेस सेटअप भी वहाँ पे आ रहा है. उसके अलावा एक मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू म्यूजिक और डीजिंग, समथिंग रिलेटेड टू ग्लैमर एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ओनली, बट मेरा एग्जिंग्स होता है जब तक नहीं निकले. हाँ. तो तब तक नहीं बोलता, बट सबको पता चलिए. हमारी बेस्ट विशेज हैं उसके लिए. डीजे विक्की हैं भोपाल से, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि स्प्लिट्सविल और रोडीज़ में जाने के बाद पार्टिसिपेंट्स को डीजे बनना ज़रूरी होता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जब ऑडिशंस के टाइम पे आपसे पूछा जाए कि यार है ना आप यहाँ से जब निकलोगे बाहर तो आप डीजे बनोगे क्या, कोई बंदा हाँ बोल दे तभी उसको ऑडिशन में सेलेक्ट करते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है. इनफैक्ट पहले तो रोडीज़ स्प्लिट्सविल से उतने लोग आते भी नहीं थे, बाद में क्या हो गया कि जब ये बहुत कमर्शलाइज्ड हो गया रोडी स्प्लिट्सविला, तो कंटेस्टेंट्स वहाँ से निकलने के बाद अब देखो उनकी चॉइस, मैं सही गलत हो नहीं बोल सकता, बट मे बी एक होता है ना कि वो फेम ख़त्म होता है उसके बाद फिर उनको सोचे क्या कर रहे हैं, मे बी डीजेज में आने लग गए, ये कोइंसिडेंस है. बट ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ से ऐसा करके होता है. इनफैक्ट निखिल चन्नप्पा अगर आप देखो तो वो वेल नोन डीजे पहले से ही थे, पहले से ही थे, वो मेरे जज भी थे रोडीज़ में, तो विक्रांत राठौर ऑडियोग्राम करेक्ट, तो वो रोडीज़ 5 में गए थे, वो उससे पहले से डीजे है
तो ऐसे बहुत डीजेस है जो पहले से भी है, तो ऐसे कुछ नहीं, मेरे में गैप था लाइक वो आते मैंने नहीं किया था बिकॉज आई लव म्यूजिक एंड पार्टी किया, ऐसा कुछ नहीं है, जिसको बनना है बनना होता है, कोई वैसा कोई कनेक्शन नहीं है, कोइंसिडेंस है कुछ लोगों का, बट आप देखो जो लोग बिना म्यूजिक के जो बने हैं उनका आप अभी चेक कर लो, मोस्ट ऑफ देम टिके नहीं है, वो धीरे धीरे ये भी खत्म कर, अब डीजे बन, अब डीजे से कुछ और बन गया शायद से, सो वो चलता रहेगा, कुछ ना कुछ और बनते रहेगा, कुछ ना कुछ और बनते रहेगा, उनका मर्जी। चलिए राज, आज ये सेशन आपको हमने वापस वीडियो कॉल पे वापस रिकॉर्ड करना पड़ा, ठीक है, जो लोग ये वीडियो देखेंगे बाद में फेसबुक और यूट्यूब पे उनको बता दूं कि इंस्टाग्राम पे हमने ये लाइव सेशन करा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही इसको सेव करने की बारी आती है उस टाइम पे किसी ने मेरे को वीडियो कॉल करा और पूरा का पूरा सेशन डिलीट हो गया, मैं उसको सेव नहीं कर पाया, तो हमने वापस डिसाइड किया आपस में कि फेसबुक और यूट्यूब के लिए हम इस सेशन को वापस से वीडियो कॉल पर करेंगे एंड वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके एंड वापस से डालेंगे ताकि एटलीस्ट लोगों को ये सेशन पता चले। तो बहुत हमने इसको, एक घंटे का सेशन था, हमने इसको आधा करके 30 मिनट्स किया है, बहुत सारे लाइव कमेंट्स जो आते थे उनका जवाब, हाँ इंपॉर्टेंट जो मेरे क्वेश्चंस थे वो हमने पूरे कर लिए, जो इंस्टाग्राम पे लाइव चैट पे आते हैं वो ऑब्वियसली हम वापस नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड गाइज थैंक यू सो मच राज रॉय वापस इसको करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन रवीश टॉक्स, इट्स योर बर्थडे, फिर भी आपने मेरे लिए टाइम निकाला, तो थैंक यू सो मच। प्लीज आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है रवीश की, इंस्टेड ऑफ ओनली कॉलिंग द टॉप नेम्स, उनको तो आपको बुलाना चाहिए, हमारे सीनियर हैं, बट आप हम जैसे मेरे को मनी को जैसे मिडिल कैटेगरी डीजेस बोलते हैं ना, जो नेशनल में लोग जानते हैं बट अभी तक उतने टॉप में गए नहीं है, करेक्ट, ये ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि एक लोग देखते हैं, दिस इज अ स्टेप सपोर्ट का कि जिससे इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलता है, तो इससे करेक्ट। मेरा हमेशा से यही आइडिया था कि मेरा जो शो होगा वो इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल होगा, लोगों को सीखने को मिले, कंट्रोवर्शियल नहीं शो करना मेरे को, और इसमें क्या है कि मेरे ये थिंकिंग रहती है कि हर बंदा कुछ ना कुछ सिखा सकता है आपको, यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीवन, तो सबके पास अपनी स्टोरी होती है शेयर करने के लिए, तो इसलिए आपको भी बुलाया, मनी को भी बुलाया, और आगे भी ये सब जारी रहेगा, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन रवीश टॉक्स, दिस इज प्रेजेंटेड बाय द वॉच फैक्ट्री, पावर्ड बाय द ऑप्टिका बार एंड सपोर्टेड बाय चीकू इंक एंड dropvocals.com, ठीक है, ये एक नई वेबसाइट है, मैं सारे प्रोड्यूसर्स जो भी इसको देखेंगे मैं उनको बताना चाहूँगी, dropvocals.com करके एक नई वेबसाइट है, तो जिन लोगों को भी हम म्यूज़िक प्रोडक्शन करते हैं हमें एक ट्रैक का एकपेला निकालना होता है, ठीक है, तो इस वेबसाइट पर बस आप ट्रैक अपलोड कीजिए एंड विद, हाँ इस वेबसाइट को कहते हैं ड्रॉप वोकल्स, तो इसमें आप ट्रैक अपलोड कीजिए, मतलब विद इन सेकेंड्स आपको बस ट्रैक अपलोड करना है, ट्रैक अपलोड होगा और अपलोड करने के बाद विद इन सेकेंड्स वो उसको प्रोसेस करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो उसको प्रोसेस करने के बाद आपको -1 ट्रैक और एकपेला ट्रैक रिलीज करके निकाल के दे देगी, एंड ऑब्वियसली इट्स अ पेड वेबसाइट बट इट्स वेरी चीप, इट्स लाइक 10 rupees फॉर अ एकपेला एंड 10 rupees, हाँ 10 rupees फॉर एन एकपेला एंड 10 rupees फॉर अ -1 ट्रैक, तो इट्स एन अमेजिंग वेबसाइट, तो ड्रॉप वोकल्स है। अब मेरा नेक्स्ट सेशन है फ्राइडे को डीजे क्लेमेंट डिसूजा के साथ, तो प्लीज़ आप लोग वो भी देखिएगा, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, प्लीज़ गो हेड एंड एंजॉय योर बर्थडे, थैंक यू सो मच ब्रो, एंड मिलते हैं जल्दी, जरूर जरूर, थैंक यू, बाय।